नमस्कार दोस्तों, थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि ये टाटमिल चौराहा है और बहुत लंबी लाइन लगी है गाड़ियों की। दिखा देता हूँ आपको, ये सामने गाड़ियों की लाइन लगी हुई है पूरी, ठीक है। तो ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम आए हुए हैं इस टाइम पे शिव संतोषी हनुमान मंदिर। सो ये मेन द्वार है इसका, इस मंदिर का ये मेन द्वार है इस मंदिर का। मंदिर का नाम है शिव संतोषी माता हनुमान मंदिर। सो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। ये मंदिर टाटमिल चौराहा पे ही स्थित है। शोर आ रहा होगा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो चलिए चलते हैं और एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं आज। जय हो प्रभु। सो प्रथम आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के समीप ही आपको भगवान शिव जी का मंदिर के दर्शन होते हैं। चलिए चलते अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव जी के। जय हो प्रभु, जय। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, जय माँ, जय नंदी बाबा, जय गणेश भगवान जी की, जय माता वाली। और यहाँ पे आपको भगवान हनुमान जी के दर्शन होते हैं, जो कि जब पाताल लोक से अई रावण को वो मार के भगवान श्री राम और भ्राता श्री लक्ष्मण को ला रहे थे। ये तब का दृश्य है। और यहाँ माँ जगत जननी माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं आपको। जय हो प्रभु। और यहाँ पे माता काली के दर्शन होते हैं आपको। जय माँ, जय माँ काली, जय। बहुत ही खूबसूरत दर्शन। और समीप ही आपको भैरव गुफा के दर्शन होते हैं। और समीप ही आपको भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के दर्शन होते हैं। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। भगवान हनुमान जी और भगवान श्री शिव भगवान के दर्शन करने के पश्चात आपको यहाँ पर दर्शन होते हैं माँ संतोषी माता जी के। जय माँ संतोषी, जय माता जी, जय माँ संतोषी, जय माँ, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। अब हमारे साथ यहाँ पे पंडित जी हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में। पंडित जी आपको शुभ नाम। भैया पंडित जगदीश तिवारी नाम है हमारा। इस मंदिर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। भैया बहुत ही प्राचीन स्थान है, लमसम 130-140 साल पुराना इतिहास है। और ये मंदिर मस्जिद एकता का प्रतीक कहा गया है, एक ही रास्ता है। और यहाँ जो है जब अजान होती है शुक्रवार के दिन तो बहुत सारी भीड़ होती है, मुसलमान भाई लोग हमारे आते हैं, सब बैठ के अजान करते हैं। हमें लोगों को कोई वो नहीं होती। अगर हमारा भी कोई अनुष्ठान होता है या कोई मान लिया जाए सुंदरकांड या रामचरितमानस कपाट होता है, कैसे अवसर आते हैं तो वो लोग भी हमारा सहयोग करते हैं। यहाँ पे कोई आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई विध्वंस हुआ, ना कोई बातचीत होती है। एक मतलब दोनों लोग मिलजुल के रहते हैं, आपस में दोनों लोग पूजा पाठ करते हैं, वो अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। वो वाली को मानते हैं, हम बली को मानते हैं, बजरंग बली। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे आपने बताया यहाँ पे मतलब कि मस्जिद पीछे है और यहाँ पे मंदिर है, तो इसका जो रास्ता है वो एक ही है। यहाँ से लोग आते हैं और मस्जिद जाना होता है वो सामने चले जाते हैं और मंदिर के लिए यहाँ पे। सो ये अपने में ही अद्भुत है। सो पंडित जी, क्या यहाँ पे कभी मतलब कुछ भी किसी ने कुछ कहा या कभी कुछ दिक्कत हुई आज तक? नहीं नहीं, आज तक ये कोई दिक्कत नहीं हुई, ना हम लोगों को उनसे ना उन लोगों को हमसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम लोग एक मतलब मिलजुल कर रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। कभी अगर कोई भंडारा होता है तो उनको बुला लेते हैं, उनके यहाँ कोई कार्य होता है तो हम लोग घर जाते और मिलजुल कर रहते हैं। और बहुत ही प्राचीन स्थान है, हम लोगों को कम से कम 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, आज तक कोई बात विवाद नहीं है।
ना वो खूब निकलें, खूब आए जाएं, जुमा का दिन होता है उनका, वैसे भी उनके कई त्यौहार होते हैं, ईद बकरीद, अपन आते जाते रहते हैं, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। ये अपने में ही बहुत मतलब अद्भुत बात है और बहुत अच्छा लगा सुन के कि यहाँ पे पूरा भाईचारा सही से निभाया जाता है। लोग अपने अनुसार जिस धर्म को मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं और किसी को किसी के धर्म से दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भंडारा या कुछ हो रहा है, जैसे पंडित जी ने बताया, वो चीज़ वो लोग मनाने आते हैं, त्यौहार साथ में आते हैं, प्रायोजित करते हैं, उनके यहाँ कुछ हो रहा है तो पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ से भी लोग करते हैं, कोशिश करते हैं सब लोग सब चीज़ें हों। तो ये चीज़ें एक होती है ना कि आपको भाईचारा जो बताया जाता है, जो पुस्तकों में लिखा है, वो चीज़ यहाँ पे एक तरह से सिद्ध हो रही है कि होता है ये चीज़, केवल पुस्तकों में लिखा नहीं है, ये सच में होता है। बहुत अच्छा लगा सुन के। सियावर रामचंद्र जी की जय। जय माँ संतोषी माता, सबको संतोष प्रदान करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।